टिशुल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज मैं आपको बताऊंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आर्थिक समस्या और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर 100 से अधिक वीडियो अपलोड हैं। यदि आप इन समस्त वीडियो को देखना चाहते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे चैनल का नाम लिख के आ रहा है त्रिशूल एजुकेशन, वहां पे टच कीजिए। उसके बाद अगली विंडो खुलेगी, उसमें सबसे पहले बाएं हाथ की तरफ लिखा होगा होम, फिर वीडियो और प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग वीडियो को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, तो वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट खोलकर समस्त वीडियो को देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आज का अपना टॉपिक है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि टॉपिक है कि आर्थिक समस्या और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक समस्या या इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी किताबी परिभाषा को जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा भी नजर डालिए कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। आर्थिक समस्या के संदर्भ में यह परिभाषा आपको बताई जा रही है कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। तो इसकी किताबी परिभाषा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, जबकि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास साधन सीमित हैं। आवश्यकताओं की अधिकता एवं साधनों की सीमितता होने के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे चयन या चुनाव की समस्या कहते हैं। यह चयन या चुनाव की समस्या ही अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या कहलाती है। तो इस प्रकार से यह हुई किताबी परिभाषा कि आर्थिक समस्या क्या होती है। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, अर्थात हम मनुष्य हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, अर्थात जिनकी कोई सीमा नहीं है। एक आवश्यकता पूरा नहीं होती है, दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, दूसरी आवश्यकता पूरी होती तीसरी, तीसरी पूरी होती चौथी। तो इस प्रकार से आवश्यकताएं जन्म लेती रहती हैं, अर्थात हमारी आवश्यकताओं में बढ़ोतरी होती रहती है। माना कि किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है, उदाहरण के तौर पे, तो घर बना देता है तो खुश हो जाता है। फिर अगली समस्या आती है कि घर के अंदर रखने के लिए सामान चाहिए, सोफा सेट चाहिए, ठीक है, अच्छा किस्म का बेड चाहिए, दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, अब घर में क्या होता है कि पहले पंखा लगाया, वो भी बात हो गई, अब उसके बाद अगली आवश्यकता पैदा हुई, पंखा तो गर्म हवा दे रहा है, अब एसी चाहिए, ठीक है, एसी भी लगा दिया, अब एसी लगा दिया आपने केवल ठंडा वाला, केवल जो कि गर्मी में देता है, फिर ऐसा होना चाहिए कि जो कि गर्मियों में ठंडी हवा दे और सर्दियों में गर्म हवा दे। तो इस प्रकार से देखे, पहले मकान, मकान से ठीक है उसके अंदर रखने का सामान, फिर पंखा, फिर एसी, फिर अन्य तमाम आवश्यकताएं जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। अर्थात मनुष्य कोई भी है, चाहे वो गरीब है और चाहे अमीर है, आप अंबानी की बात कर लीजिए, चाहे बिल गेट्स की बात कर लीजिए, उनके पास अरबों की संपत्ति है लेकिन उनकी आवश्यकता अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो गरीब आदमी की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति की एक आवश्यकता पैदा होती है और जैसे ही उसको पूरा करता है तो चार आवश्यकताएं और पैदा हो जाती हैं, और चार आवश्यकताएं वो भी पैदा करता है या उसको पूरा कर लेता है तो उसके कारण 50 आवश्यकताएं और क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास कार हो, बंगला हो, ठीक है, मैं हेलीकॉप्टर में घूमूं, विदेशों की यात्रा करूं, तो ये सबकी इच्छा होती है। लेकिन इस प्रकार की जो इच्छा है इंसान की, वो उनको वह पूरा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसको पूरा करने के लिए उसके पास साधन कम है, धन क्या है, कम है। तो जब धन कम है, अगर अर्थशास्त्र में यहाँ पे धन से मीनिंग ना होकर यहाँ पर है कि संसाधन सीमित है, अर्थात भूमि क्या है, सीमित है, जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है तो जमीन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसी प्रकार से श्रम है, पूंजी है, संगठन है, साहस है, ये सारी चीजें क्या है, सीमित मात्रा में, इनको नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहने का अर्थ है मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है, अनंत है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और इसकी तुलना में साधन क्या है, सीमित है, अर्थात
आवश्यकताएं भी मनुष्य की बहुत ज्यादा है। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास क्या है, साधन सीमित है, धन कम है। तो यह तो एक व्यक्ति की बात हुई। तो ऐसी ही समस्या क्या होती है कि राष्ट्र के सामने, प्रदेश के सामने भी उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पास क्या होते हैं, साधन सीमित होते हैं, तो वो उतना ही विकास कर पाता है, वो उतनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। ऐसा ही एक राष्ट्र के सामने भी बात आती है कि जैसी उसकी आर्थिक स्थिति होगी, वो उतनी ही आवश्यकताओं को क्या कर पाएगा, पूरा कर पाएगा। यदि हम भारत की तुलना अमेरिका से करेंगे तो अमेरिका में आवश्यकताएं भी ज्यादा है, तो उसके पास संसाधन भी ज्यादा है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका ऐसा नहीं है कि उसने सारी आवश्यकताएं अपनी पूरी कर ली हैं और साधन भी उसके पास बहुत ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा का सार क्या निकल रहा है कि आवश्यकताएं इंसान की बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसकी तुलना में साधन क्या है, कम है। तो जब साधन कम है और आवश्यकताएं ज्यादा है, तो व्यक्ति साधनों अर्थात सीमित साधनों से अपनी कम ही आवश्यकताओं को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो अब बात आती है कि जब साधन कम है और आवश्यकताएं ज्यादा हैं, तो इंसान एक साथ उनको पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सीमित साधनों के द्वारा वो कौन कौन सी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो उसके लिए उसको उनका चयन करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी मैं अपने सीमित संसाधनों के द्वारा खरीद सकता हूं, उनकी पूर्ति कर सकता हूं। तो उसके लिए उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन कौन सी वस्तुएं कोई अर्थव्यवस्था अपने देश में पैदा कर सकता है, या किन के साधनों के द्वारा वह अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो इसके लिए उसके पास आती है चयन की समस्या। अर्थात कौन कौन सी वस्तुएं वह अपने संसाधनों के द्वारा पूरा कर सकता है, तो यह चयन की समस्या ही कहलाती है, आर्थिक समस्या। तो इस प्रकार से दूसरे रूप में भी इसको समझ सकते हैं कि इंसान के पास, माना किसी के पास 1000 रुपये हैं और 1000 रुपये में बाजार में गया, उसको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, लेकिन उसकी जो लक्ष्मण रेखा है वह 1000 रुपया। तो 1000 रुपये से ऊपर की वस्तुएं तो खरीद ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे अधिक उसके पास साधन नहीं है, धन नहीं है। तो उसको कुल मिला के 1000 रुपये के अंदर ही क्या करना है, वस्तुओं को खरीदना है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह कौन कौन सी वस्तुओं को पसंद करता है कि जो कि 1000 या उससे कम में आ जाए। तो इस प्रकार से यह हुआ आर्थिक समस्या की परिभाषा का सार। अब बात आती है कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, वे कौन कौन से कारण हैं कि जो आर्थिक समस्या को जन्म देते हैं। तो आर्थिक समस्याओं को जन्म देने वाला जो पहला कारक आता है वह है आवश्यकताओं का असीमित होना। अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। जितनी भी आवश्यकताओं को पूरा करता चला जाएगा, आवश्यकताएं और ही बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आवश्यकताएं मनुष्य की क्या है, असीमित है। तो पहली हेडिंग है कि आवश्यकताओं का असीमित होना पहला कारण है। अब इसकी किताबी परिभाषा को समझिए कि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक आवश्यकता पूरी होते ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है और इसी प्रकार यह क्रम आगे भी चलता रहता है। कहने का अर्थ है मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला जो कारण है आर्थिक समस्या का, वह है कि आवश्यकताओं का असीमित होना। अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं का असीमित होना, मनुष्य की आवश्यकताएं कि जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो मनुष्य के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, उससे आगे मनुष्य बढ़ा। लेकिन वर्तमान में आप देखिए तमाम प्रकार की नई नई खोजें होती चली जा रही है, नई नई चीजें मार्केट के अंदर आ रही, तब भी क्या हो रहा है, कमी ही कमी होती चली जा रही है। नए नए आविष्कार मनुष्य किए जा रहा है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तब भी क्या हो रहा है, वह कम ही कम पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का यह पहला कारण हुआ। पहला कारण कौन सा हुआ, वह है आवश्यकताओं का असीमित होना, या इसको कह सकते हैं आवश्यकताओं का अनंत होना। दूसरा कारण है साधनों का सीमित होना। दूसरे कारण पर नजर डालिए कि साधनों का सीमित होना। अब इसकी किताबी परिभाषा को भी समझ लीजिए, मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में साधन अर्थात धन क्या है, कम है। अर्थात साधनों की मांग तो अधिक है, लेकिन उनकी जो पूर्ति है वो क्या है, कम है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो मांग ग्रेटर देन पूर्ति, मांग क्या है, पूर्ति से ज्यादा है। तो दूसरे रूप में कह सकते हैं
कि सीमित होने का अर्थ है साधनों का दुर्लभ होना, अर्थात जो साधन सीमित हैं उसका अर्थ हुआ कि दुर्लभ होना, ऐसे संसाधन कम है, जो संसाधन सीमित होते हैं उनको दुर्लभ संसाधनों के नाम से भी जाना जाता है। इसको संक्षेप में विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि साधनों का सीमित होना, थोड़ा धन से ही बात कर लेते हैं कि एक गरीब आदमी है तो उसके पास धन क्या है, सीमित है, तो वह इनसे अर्थात सीमित धन से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, एक तो पहली बात हुई। एक अमीर आदमी है, उसके पास भी धन बहुत ज्यादा है लेकिन वो सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। अभी मना उसकी आवश्यकता है कि मैं से चांद पे चला जाऊं, बुध ग्रह पे चला जाऊं, तो नहीं जा सकता है। इच्छा तो है उसकी कि मैं चला जाऊं लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसकी सहायता से उसको वहां भेजा जा सके। वो चाहता है कि मेरे पास ऐसा हवाई जहाज हो कि मैं सिंगल उसको चलाऊं, जहां चाहूं वहां उड़ जाऊं, मेरे पास धन है, लेकिन तब भी वो आवश्यकता उसकी पूरी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है कि साधन सीमित है, अर्थात इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। और जहां तक गरीब की बात है तो उसके पास तो और भी कम सीमित साधन है। और इसी प्रकार से हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो संपूर्ण देश की बात करें तो उसके पास भी संसाधन क्या है, कम है। विकसित देशों के पास ज्यादा है, अमेरिका के पास ज्यादा है, यूरोप के जो कंट्रीज हैं, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है, जापान है, ठीक है, इनके पास क्या है, साधन ज्यादा है, तो उसकी तुलना में हमारे देश के पास साधन क्या है, कम है। और इसी प्रकार से जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके पास भी संसाधन क्या है, बहुत कम है। जो अविकसित देश है उनके पास साधन क्या है, बहुत कम है। तो इस प्रकार से वो अपनी आवश्यकताओं को उतना ज्यादा पूरा नहीं कर सकते हैं जितने की विकसित देश करते हैं। तो इसका कारण है वह है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का आवश्यकताओं की तीव्रता में भेद, अर्थात आवश्यकताएं जो होती है उनकी तीव्रता में अंतर होता है। तो इसकी परिभाषा को भी समझिए, उस पर नजर डालिए कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। एक ही समय पर प्यासे के लिए पानी अति महत्वपूर्ण है, जबकि जो प्यासा नहीं है उसके लिए पानी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जरूरत के हिसाब से आवश्यकताओं को अलग अलग क्रम में लगा सकता है। तो इस प्रकार से ये तो किताबी परिभाषा हुई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं, अर्थात देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं तो प्रत्येक आदमी की आवश्यकता क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। अमीर की क्या है, अलग है। गरीब की क्या है, अलग है। मध्यम वर्ग के लोगों की क्या है, अलग है। जो एकदम से गरीब है उसकी मुख्य आवश्यकता क्या है, खाना पीना। थोड़ा सा ऊपर वाला है तो उसको आवास की समस्या है कि मुझे अच्छा मकान चाहिए, ठीक है, मुझे कार चाहिए, मेरे पास हर फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता अलग है। और जो और भी ऊपर का अमीर तबका है, ठीक है, उसकी आवश्यकता क्या है, और भी अलग है। तो इस प्रकार से देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया कि प्यासे का उदाहरण लिया है कि जो प्यासा है भाई तो उसके लिए पानी का तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है उस समय कि उसको पानी मिल जाए तो समझ लीजिए कि सारी दुनिया उसको मिल गई थी, वो रेगा स्थान में फंसा हुआ है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है कि जिसने पानी पी रखा है और उस समय यदि उसको पानी दे दिया जाए तो उसको पानी की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता में अंतर होता है, अर्थात जो आवश्यकताएं होती हैं वो सापेक्षित होती हैं या तुलनात्मक होती हैं। तो व्यक्ति क्या करता है कि जो आवश्यकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसके लिए उस आवश्यकता को वो सबसे पहले पूरा करता है। माना बात किसी के पास 1000 रुपये हैं और यदि स्कूल में एडमिशन का समय चल रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि बच्चों की फीस चुकाएगा, ये कॉपी किताबें उनके लिए लेगा और जो अन्य आवश्यकताएं हैं उस समय उनको स्थगित कर देगा। हाँ, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा कि यदि बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, एडमिशन के लिए फीस चाहिए, उनके लिए किताब कॉपियां चाहिए, बैग चाहिए, ड्रेस चाहिए और वो पैसा दूसरी जगह लगा दे, ठीक है, ये तो एक मूर्ख व्यक्ति ही हो सकता है। तो गार्जियन के लिए कि जबकि क्या होता है कि स्कूल खुलते हैं अर्थात न्यू सेशन शुरू होता है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना। तो इस प्रकार से वो पहले क्रम में आवश्यकताएं अर्थात साधन उसके पास सीमित है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो कि सबसे पहले वर्तमान में उसके पास है। तो इस प्रकार से यह हुई आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का तीसरा कारण कि आवश्यकताओं की तीव्रता में भेद या अंतर होता है। चौथा कारण है, उस पर नजर डालिए कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस, अर्थात जो
आर्थिक संसाधन है उनका क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा इसकी किताबी परिभाषा पर नजर डालते हैं कि सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात एक ही साधन का अनेक कार्यों में जब उपयोग किया जाता है तो उसे उस साधन का वैकल्पिक प्रयोग या उपयोग कहते हैं। जैसे बिजली या लाइट का उदाहरण लेते हैं, बिजली से बल्ब रोशनी देता है, एसी, पंखा, हीटर, प्रेस, कूलर, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर सब बिजली से चलते हैं। अब हम पर निर्भर करता है कि बिजली का उपयोग हम किन किन कार्यों में करें। तो इस प्रकार से जो साधन है, जैसे हमने यहाँ पे बिजली का उदाहरण दिया, तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, व्यक्ति कई कार्यों में इसका उपयोग कर सकता है। अर्थात बिजली क्या होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, गुड्स हैं, वो सारे के सारे बिजली के द्वारा चलते हैं। कि जैसे कि हमारे घर में क्या होती है कि रोशनी के लिए बल्ब जलाते हैं तो रोशनी देता है, लेकिन कब देता है कि जब लाइट होती है। इसी प्रकार से जो एसी है, एसी भी बिजली से चलता है, पंखा भी चलता है इसी प्रकार से, चाहे वो हीटर है वो भी उससे ही चलेगा, और चाहे फ्रिज है, चाहे टीवी है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे कोई अदर थिंग है, वो सारे बिजली से चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम बिजली का प्रयोग अनेक कार्यों में कर सकते हैं। लेकिन बिजली जब महंगी हो जाए, ठीक है, तो बिजली का प्रयोग व्यक्ति क्या करेगा, गरीब इंसान, केवल तो रोशनी अर्थात प्रकाश के लिए ही करेगा, ठीक है। और यदि बिजली सस्ती हो जाएगी तो इस प्रकार से एसी, पंखा, हीटर, प्रेस, कूलर सभी को क्या कर सकता, रेडी कर सकता है। तो उसी प्रकार से एक साधन का जब क्या होता है, अनेक प्रयोग होते हैं, अनेक प्रयोगों में उसको काम में लाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक साधन से उदाहरण दिया, किसका, बिजली का, कि बिजली का हम क्या कर सकते हैं, अनेक कामों में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने पास उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का जो अंतिम कारण है वह है चयन या चुनाव की समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो चयन या जो चुनाव की समस्या है, ये समस्या या चुनाव, ये कोई ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं है आपके गांव का, ठीक है। यहां पर चुनाव की समस्या का अर्थ है कि हमें सीमित साधनों के द्वारा हम किन किन वस्तुओं को खरीद सकते हैं या किन किन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं अपने सीमित साधनों के द्वारा। तो सबसे पहले इसकी किताबी परिभाषा पर नजर डालिए आप भी, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश अपने सीमित साधनों से अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके सामने समस्या उत्पन्न होती है कि वह अपने किन किन साधनों को कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयोग करें। ऐसी स्थिति में उसके सामने जो समस्या उत्पन्न होती है उसे चयन या चुनाव की समस्या कहते हैं, और यही समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। तो इस प्रकार से यह तो हुई एक किताबी परिभाषा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, कोई भी समाज है, कोई राज्य है, कोई राष्ट्र या देश है, तो उसके पास साधन तो क्या है, कम है, साधन तो कम है, लेकिन उसको क्या करना है, उन सीमित साधनों के द्वारा अपनी देश की जनता का भरण पोषण करना है। तो सारी आवश्यकताओं को, अर्थात देश में सारी रोड़े रोड़े बना दी, ठीक है, एकदम से सारे रेलवे लाइन बिछा दी, सारे बंदरगाह सजा दिए, ठीक है, इसी प्रकार से एयरपोर्ट बना दिए, दुनिया भर के जहाज बना दिए, दुनिया भर की कंपनियां क्या कर दी, खड़ी कर दी। इस प्रकार से कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास धन कम है, साधन कम है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, चुनाव करेगा, कि सबसे पहले देखेगा कि हमारे देश के लिए कौन सी चीज, कौन सी वस्तुएं सबसे पहले होनी चाहिए, तो पहले उनको करेगा, ठीक है। यदि उसको लगता है कि मेरे पास इतनी पूंजी है और मैं क्या कर सकता हूं, 50 चीजों की वस्तुओं की पूर्ति कर सकता हूं, तो पहले उसी काम को करेगा, ठीक है, और बाकी काम को क्या अगले वर्ष के लिए छोड़ देगा। जैसे भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 में, तो भारत ने क्या किया था कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया था, इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, उद्योग धंधों को छोड़ दिया था, उसके पास उतना धन नहीं था। अब जब उन्होंने देखा कि कृषि में कुछ सुधार हुआ है, तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या है, उद्योग धंधों पर जोड़ दिया। तो इस प्रकार जैसे जैसे पंचवर्षीय आगे बढ़ती चली गई, देश के पास संसाधन आते रहे, बढ़ते रहे, तो क्या हुआ कि
यहां पर जो आवश्यकता की वस्तुएं थी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, सरकार उसको धीरे धीरे क्या करने लगी, उसको बनाने लग गई। तो इस प्रकार से चैन की समस्या में क्या होता है कि सीमित साधनों के द्वारा सरकार या अर्थव्यवस्था या व्यक्ति क्या करता है कि उन उन वस्तुओं की मात्राओं का चयन करता है, और कितनी मात्रा में करता है वो उसके संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है जिनको वह पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये पांच कारण हुए किसी भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के। अब बात आती है कि यदि जिस प्रकार से हमने बताया कि आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित हैं, अनलिमिटेड है, और इसी प्रकार से साधन भी क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, साधन भी सबके पास धन ही धन होता, ठीक है, सबके पास क्या होता है, खेती खेत होते, सबके पास बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती, सारी सुविधाएं सबके पास होती, तो इस प्रकार से आर्थिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। जिस आर्थिक समस्या की हम बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र में कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों के द्वारा, लेकिन बात आ रही है कि यदि साधन भी सीमित नहीं होते, वो भी असीमित होते और आवश्यकताएं भी असीमित होती, तो दोनों क्या हो जाती, बराबर हो जाती, तो ऐसे में ना तो कोई गरीब होता, न कोई अमीर होता, न कोई विकसित देश होता, ठीक है, और न कोई विकासशील देश होता, फिर तो सब विकसित ही विकसित देश होते, तो सब अमीर ही अमीर होते, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि जब ये जो कारण हमने आपको बताए कि साधन जब सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं, तो इस प्रकार से ये जो तो पिलर हैं ये अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या को जन्म देते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, सीमित करते हैं, और इसी समस्या से प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था या व्यक्ति क्या होता है, जूझता है और लगा रहता है कि अपने सीमित संसाधनों के द्वारा हमें किस प्रकार से अपने राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करना है, किस प्रकार से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। तो एक बार पुनः बता देते हैं आपको कि आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। दूसरे भाग में मैंने आपको बताया कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के पांच कारण हैं। पहला जो कारण है वो है आवश्यकताओं का असीमित होना। दूसरा जो कारण है वो है साधनों का सीमित होना। तीसरा जो कारण है वो है आवश्यकताओं की तीव्रता में भेद या अंतर होना। और अंतिम जो पांचवा कारण बताया वो है चुनाव या चयन की समस्या। तो इस प्रकार से ये हुआ कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं और आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके।